الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعَامًا لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رمضان المبارक का आखिरी जुमा है जिसे हम मार्केट में इस जुमा का नाम चलता है जुमाए अलविदा के नाम से। और एक मैसेज कल मेरे को आया था एक शख्स का, वो कह रहा था उस मैसेज में कि जुमाए अलविदा पे जो शख्स 4 रकात नमाज पढ़ेगा फुला फुला तरीके से, पहली रकात में इतनी मरतबा सूरह फातिहा और इतनी मरतबा सूरह इखलास, तो 700 साल के भी उस पर नमाजें कज़ा होंगी तो सारी नमाजें अदा हो जाएंगी। ये मैसेज चलाने वाले ईमान वाले नहीं होंगे। ये उम्मत मुस्लिमा को धोखा देने के लिए इस मैसेज को वायरल किया जा रहा है। वो इस साल भी ये मैसेज आया था ऐसे ही, इसीलिए कुरान के तफसीर में आई थी बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, ईमान वालों जब तुम्हारे पास कोई भी पैगाम, कोई भी मैसेज, कोई भी खबर आ जाए, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उससे क्या करें, तहकीक करें। आई थी, बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए जो तफसीर में रहते थे। 2 दिन 3 दिन पहले ये गाली बनाई थी, उस पर एक वाक़िया भी आया था। तो ऐसे मैसेज करने वाले फासिक भी हो सकते हैं, मुनाफिक भी हो सकते हैं, काफिर भी हो सकते हैं, गैर ईमान वाले भी हो सकते हैं। मैसेज आ गया, अच्छा लगा, फॉरवर्ड कर दिए। ये उम्मत मुस्लिमा को धोखा देना है, दीन से रोकना है। क्या है? जो नमाजें हम पर कज़ा हैं वो नमाजें पढ़ने से ही अदा होंगी। वो नमाजें अगर अल्लाह ने सेहत दी है, ज़िंदगी दी है, वक्त दिया है, तो जब तक आप खुद अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक वो आपके ज़िम्मे से अदा नहीं होंगी। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। 5 नमाजें फुला, 4 लोगों को 4 फ़कीर खिला दो, एक दिन क्या हो गया, एक दिन की नमाजें माफ़ हो गई। ये तरीका इस्लाम में नहीं है। हाँ, अगर इंसान इतना बीमार हो गया कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक उसको सेहत ही नहीं मिली कि वो नमाज़ पढ़ सके और दुनिया से चला गया, तब जितनी नमाजें छूटी हैं बीमारी के आलम में, उन नमाजों का फिदिया देना है। वरना इसके अलावा ज़िंदगी में रहते हुए ये काम कर लिए और सारी नमाजें माफ़, ऐसा नहीं होता है। याद रखें, ये मैसेज दूसरों तक भी पहुँचा देना। जैसे ये वाला फॉरवर्ड कर देना, 4 रकात पढ़ो 700 साल की नमाजें, ये वाला भी मैसेज फॉरवर्ड करो कि नमाजें अदा करने से ही अदा होंगी। दूसरी बात, ये जुमा जो है ना रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है। ये जो मैसेज चलता है ये आखिरी जुमा नहीं है, हम आखिरी हैं। जुमा आइंदा साल फिर आएगा, रमज़ान आइंदा साल फिर आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों रमज़ान चारों जुमा आएंगे, लेकिन तुम और हम होंगे क्या नहीं होंगे ये नहीं मालूम। बंदा आखिरी, ऐसा करके मैसेज करो। क्या मैसेज करो? बंदा आखिरी। तुमसे इल्तिजा करता है कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना, कुछ हक है तो हम अदा कर देते हैं। तो इंसान का कोई भरोसा नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान, इस दुनिया में जो है मन जानदार सब फना होने वाले, जानदार गैर जानदार हर चीज़ फना होने वाली है। बचपन में जो चीज़ें हमारे पास थी वो आज नहीं है, जवानी में जो थी वो भी नहीं है, और जो अभी है वो भी नहीं रहेंगी। ये अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम बनाया है, अल्लाह ने दुनिया का ये निज़ाम बनाया है। अल्लाह ने कहा वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सिर्फ कायनात में अल्लाह की ज़ात अकेली है जो बाकी रहेंगी, बाकी सब फना है। इसीलिए कहते हैं कि फला हजरत दारुल फना से दारुल बका की तरफ पहुंच कर गए, सफ़र में निकल गए। जो इस शख्स का इंतकाल होता है उसके लिए क्या कहा जाता है कि दारुल फना से, क्योंकि ये दारुल फना है। क्या है? घर फना, बिल्डिंगें फना, बीवी फना, बच्चे फना, बाप फना, माँ फना, कायनात की हर चीज़ फना। इसीलिए इस दुनिया को बनाने वाले ने कहा कि ये दुनिया धोखा है, जो दिखता है वो हमेशा नहीं रहेगा। इसीलिए जुमा अलविदा में क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि अल्लाह से अपनी गफलतों की, अपनी कोताहियों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। ए अल्लाह, इतने बरकतों वाला रमज़ान, इतने फजीलतों वाला महीना तूने मुझे अता फरमाया था। ये महीना पिछले उम्मतों पर नहीं था, ये इसकी फजीलतें, इसके अनवारात, बरकत पिछले नबियों के उम्मतों पर नहीं थी, अल्लाह ने हमको अता फरमाई। और जो कब्रों में चले गए उनके लिए भी नहीं, वो गए और रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं, तरावी पढ़ सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, नहीं, अल्लाह ने वो सब कुछ हमको अता फरमाया था। लेकिन इसके बावजूद ए अल्लाह, हमसे गलतियाँ हुई, रोज़ा रखा, भूखा रहने के अलावा कुछ ना किया, झूठ बोलता रहा, धोखा देता रहा, गीबतें करता रहा, एक दूसरे का मजाक उड़ाता रहा, आंखों से बदनजरी करता रहा, दिल दिमाग ख्यालात में ए अल्लाह गलत चीज़ें सोचता रहा, मोबाइल में सीरियलें पिक्चरें देखता रहा। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। रमज़ान में कुरान करीम की तिलावत की, लेकिन अल्लाह मुझे जैसा पढ़ने आता है मैंने वैसा ही पढ़ा है। अल्लाह, मुझे जैसा पढ़ने आता है मैंने वैसा ही पढ़ा है। तेरी ज़ात वराबुल वरा है, उसे वैसा ही कबूल कर ले। ये नदामत का वक्त है, पशेमानी का वक्त है, खुश होने का वक्त नहीं है। जुमा अलविदा, जुमा अलविदा मुबारक हो। वो पहले दिन से ही, पहली सहरी मुबारक हो, दूसरी सहरी मुबारक हो, पहले रमज़ान का 12वां घंटा मुबारक हो, 13वां घंटा मुबारक हो। ये पता नहीं ये कहाँ से लेकर आए हैं। शरीयत ने हर चीज़ को जीने का तरीका बताया है। रमज़ान के पहले दिन से लेकर ईद का दिन भी किस तरह से गुजारा जाए ये इस्लाम ने हमको बताया है। बताया है ना, है, पढ़ो, सुनो, मालूम करो, पूछो उलमा से, सब कुछ किताबों में दर्ज है, वो भी सनद के साथ। ऐसे ही नहीं किसने वक्त दिया, किसने कहा, उसको किसने कहा, ये सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है, ऐसे ही नहीं है। तो होश के नाखून चबाए, खुदारा होश के नाखून चबाए। और अल्लाह से ये गिड़गिड़ाने का वक्त है। 4 जुमा चले गए रमज़ान के, 4 चौथा है। ए अल्लाह, पूरा का पूरा महीना गफलत में गुजारा। इतराने का वक्त नहीं है, मैंने रोज़े रखा, मैंने ज़कात दी, मैंने तरावी पढ़ी, मैंने कुरान के इतने इतने जो है ख़त्म किए, ये इतराने का वक्त नहीं है, ये अल्लाह के सामने आजिज़ी का वक्त है। ए अल्लाह, कितने और भी होंगे तेरे बंदे जो पूरे महीने में एक लम्हा भी तेरी नाफरमानी नहीं करते होंगे, लेकिन मैं ख़ताकार हूँ, मुझे माफ़ कर दे और मेरे गलतियों को माफ़ करके मेरे इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह से कबूलियत मांगने का वक्त है। समझ रहे, ये जुमा किसके लिए आया है? अल्लाह से अपनी इबादतों की कबूलियत और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का वक्त है, इसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं। जुमा आया, ये आइंदा साल फिर आएगा, लेकिन हम नहीं होंगे। होंगे कि नहीं होंगे अल्लाह जानता है, लेकिन हम नहीं जानते। जवान बूढ़े बच्चे सब ये सोच सकते हैं, किसी को नहीं मालूम है कि कौन कल क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सु मादा तकसीबु गदा वमा तदरी नफ्सु बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। इंसान कब मरेगा इंसान को खुद को पता नहीं होता है। एम्बुलेंस में लाश को छोड़ने गए थे और रिटर्न पे छोड़ने वाला भी क्या हो गया, क्या पता था उसको। जिसको दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं उसके दूसरे दिन मुझे भी दफनाया जाएगा, नहीं मालूम रहता है। इसीलिए दुनिया के झमेले ज़्यादा मत पाला करो। मर गए तो सुकून से कब्र में आराम तो कर सकते हैं। इतना झमेला पाला हुआ है, इतने टेंशन, इतने कर्जे, इतनी जिम्मेदारियाँ कि मर गए तो घर वाले परेशान, जो मरा है वो खुद परेशान। आए जनाजे में क्या सलाद धुबा के गया, आप बोल भी नहीं सकते। ये अल्फाज होंगे ना, अब क्या कहेंगे? अरे जिसका भी डुबाया 70,000 50,000 जो भी है, लेकिन उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। अब जनाजे को देख के गया ना, अब जरा गया तो अब किसको बोलूँगा? अब बेटा भी नहीं है उसका, अब बीवी बोलेंगे मैं बेवा हूँ, मैं कहाँ से दूँ? अब खबर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर शहीद जब शहीद होता है ना, एक कतरा उसका ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करते हैं। लेकिन अगर शहीद पर कर्जा है तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि उसका कर्जा अदा नहीं होता है। हम तो शहीद हैं नहीं, उंगली कटती तो डर जाते हैं। बहुत बड़ा दर्जा है शहादत का, मांगना चाहिए अल्लाह से। लेकिन हमारा हाल क्या है, इसीलिए ज़्यादा झमेले दुनिया में मत पाला करो। दुनिया अचानक कभी भी इंसान को उठा लेती है, रवाना कर देती है, यहाँ से निकलो, हो गया टाइम पीरियड तुम्हारा, क्या हो गया, ख़त्म हो गया, निकलो। ये नहीं कि 22 साल का है, अभी तो जवान है, माँ बाप रोएंगे, माँ बाप कैसे संभालेंगे, और शादी होके 8 ही दिन हो गए। नहीं, जिस दिन निकाह हुआ अभी घर पर पहुँचा भी नहीं था, बारात की गाड़ी पलटी हो गई है, पूरे के पूरे बाराती दूल्हा दुल्हन के साथ गए। अल्लाह किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं है, ना उम्रों के मोहताज है, ना बीमारी के मोहताज है, ना हादसात के मोहताज है कि हादसा होगा तो चल्ला को मारना पड़ेगा और उम्र होगी तो चल्ला मारेंगे, जवान को नहीं मार सकते। अल्लाह सबको मार सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 औलादे, बेटे तीनों के तीनों, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुम, तीनों के तीनों बेटे बचपन में इंतकाल कर गए, 16 महीने, 8 महीने। तो क्या था, गए ना, बच्चा भी नहीं, जवान भी नहीं, बूढ़ा भी नहीं। अल्लाह के लिए कोई कैद नहीं, मौत के लिए कोई कैद नहीं, जब आएंगी जब चाहेंगी और आकर लेकर चले जाएंगे। इसके लिए ये जो जुमा है अलविदा, ये समझे कि ये मेरा अलविदा है। किसका अलविदा है? मेरा अलविदा है। जो रमज़ान का जुमा अलविदा है ये ना समझे, वो तो आएगा हर साल। हमारे अब्बा चले गए ना, लेकिन जुमा आया ना। हमारे रिश्तेदार दुनिया में जो थे वो गए, लेकिन फिर भी जुमा आया तो उनके लिए अलविदा हुआ कि जुमा अलविदा हुआ? वो खुद अलविदा हो गए ना दुनिया से, तो ऐसे ही होगा, हम अलविदा हो जाएंगे लेकिन जुमा बाकी रहेगा। वो आएगा, हर जुमा को भी आएगा, हर महीने, और रमज़ान को भी आएगा इंशाअल्लाह, जब तक अल्लाह को मुकद्दर होगा। ये हो गई जुमा अलविदा की बात। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाले रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं माल की ज़कात अदा करते हैं। तो जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने में खाना पीना और बीवी से मुलाकात, ये तीन चीज़ों से तो बचे रहते हैं, एहतियात करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे सरजद होती है, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, हसद करना, एक दूसरे का दिल दुखाना, ये होता है, गाली गलौज, ये सब चीज़ें होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र तुहरतन लिस्साइमी मिनल लगवी वल्रफ़स। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़कात, ये रोज़े की ज़कात ये फितरा है। माल की ज़कात माल है, लेकिन रोज़े की ज़कात क्या है? फितरा है। ये रोज़ेदार को पाक कर देती है, रोज़ेदार को पाक कर देती है। बचा कुचा जो गदलापन है वो फितरा, सदक़े फितर उसको पाक कर देता है लगबियात से और गाली गलौज से, फजूल बातों से। जो इंसान ने रोज़े को ख़राब किया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सदक़े फितर देके उसको साफ करो। ये रोज़ेदार के लिए पाकिज़गी का ज़रिया भी है और तुअमतन लिस्साइमी, मिस्किनों के लिए खुशी का बाइस है। ईद से पहले पहले बेवा यतीम, उनके घरों में रोशनी आएगी, उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, बीवी के सर पे हाथ रखने वाला शोहर नहीं, बच्चों के सर पे हाथ रखने वाला बाप नहीं। तो जब ऐसे घरों में आप कहोगे कि यार अब सबको सब मिल रहा है, नहीं, सब तरफ जब लाइट लगाते ना किसी कोने में अंधेरा जरूर रहता है। मोहल्ले में, गली कूचे में, किसी ना किसी जगह पे होंगे है ऐसे बेवाए, ऐसे यतीम, ऐसे घराने। अगर बेवा यतीम नहीं है लेकिन लोग ऐसे हैं कि घर में शोहर भी है, बाप भी है, लेकिन कमाने वाला नहीं है, कमाने की सलाहियत नहीं है या काम धंधे का कुछ जरिया नहीं है सही साली में, लेकिन रास्ता ही नहीं, वो करना चाहता है लेकिन काम काज का कुछ जरिया बनता ही नहीं है, या काम करता भी है लेकिन इनकम इतनी आती नहीं है कि जिससे अपने बच्चों के लिए ईद का अच्छी तरह से सामान तैयार करें। ऐसे घर तलाश करना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी, तलाश करें। हमारा हक है वो, उनका हक नहीं है। अल्लाह उनसे नहीं पूछेंगे कि तेरे पास किट क्यों नहीं आई ईद की, अल्लाह हमसे पूछेंगे कि तूने क्यों नहीं दी, समझ रहे? और देखे ऐसा बिल्कुल नहीं देना है, इखलास के साथ। फीमा बैनहु व बैन अल्लाह, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह देखते हैं। रात के अंधेरे में कोई देखे ना देखे, जिसको दिखाने के लिए तुमने ये ज़कात और सदक़े फितर अदा किया है, अल्लाह की कसम वो अर्श पर बैठे बैठे देखता है, सुनता भी है, समझता भी है, और इसका आजरा देगा। क्या करेगा? साल भर इसके बरकत आप महसूस करोगे, साल भर। माल के एतबार से अल्लाह आपको कभी तंगी में आने नहीं देंगे, माल के एतबार से अल्लाह कभी आपको परेशान होने नहीं देंगे, अल्लाह आपको कभी मिस्किनों के जुमरे में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए कि ये बंदा जब माल इसके पास आता है, अल्लाह देखते हैं कि ये मिस्किनों को देता है, नहीं देगा रोक के रखेगा ना, अल्लाह कहेंगे कि चल इसको ही मिस्किन बना देता ताकि दूसरा इसको दे। ये मार्केट में होगा, आप गौर करो। अगर आप अपना पैसा, ये अपना है ही नहीं, ये किसका है? अल्लाह का है। ये जिंदगी अल्लाह की, माल अल्लाह का, सब कुछ अल्लाह की अमानत है। अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अगर तुम निकालोगे नहीं तो फिर अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक हमसे निकलवाना भी जानता है, जानता है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर इस साल बल्कि हमेशा आप अपने मालों की ज़कात, अपने मालों का सदक़े फितर अदा नहीं करोगे, और वो भी खुश दिली के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जितना बनता है उससे ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में माल निकालते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनके माल को निकालने का जो है जज्बा उसे कबूल फरमाए अल्लाह, उनके ज़कात को, उनके सदक़े फितर को अल्लाह पाई पाई रकम को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी नस्लों को किसी का मोहताज न बनाए, अल्लाह उनकी नस्लों को हमेशा देने वाला बनाए, ज़िंदगी भर कभी लेने वाला न बनाए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, लेकिन कुछ है जो ज़कात ऐसे मसाइल भी पूछते हैं कि सवाल का अंदाज़ ऐसा लगता है कि इस पर ज़कात वाजिब ना हो, ये भी नहीं है चलेगा, होते ही नहीं होते, वो भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्या देना है तो दे, नहीं तो मत दे, अल्लाह को तेरी ज़रूरत है नहीं, तुझे ज़रूरत है कि तू साल भर इसको बाकी रखना है, तू नहीं बाकी रख सकता। एक्सीडेंट हो गया ना, 7 लाख का बिल डायरेक्ट फाड़ दिया जाएगा हॉस्पिटल में, फिर क्या ज़कात बोलेंगे कि मैं नहीं दे सकता, तुझे किडनी बेच के देना पड़ेगा, फिर क्या करेगा? फिर भागता फिरेगा, कहेंगे कि भाई हम सरकारी में करा देंगे। क्यों? हॉस्पिटल का चेहरा देखना है, देखना ही है क्या? प्राइवेट नहीं तो सरकारी तो नहीं, क्यों देखना है? फिर वो जो भागने के चक्कर, जो तकलीफें, जो परेशानियां हैं ना, वो क्या करेंगे? इसके लिए खुदारा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सदका ये इंसान के मुसीबत से पहले अल्लाह के पास पहुँच जाती है, वो रुकावट बन जाती है मुसीबत के आने के लिए। मुसीबतें, बलाएँ, परेशानियाँ आने नहीं देती सरकार, इसलिए हमेशा सदका दिया करो। सदके का एक फायदा ये है कि अल्लाह राजी होते हैं, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। दूसरा, बुरी मौत से इंसान बच जाता है। तो यार क्या बुरी मौत मरा, ऐसा कहते हैं। अल्लाह बुरी मौत से ऐसे बंदे को बचाते हैं। तो हमेशा अपने हाथ को खुला रखे, अल्लाह भी अपने ऊपर फिर रहमतों की, बरकतों की बारिश करेगा। ये माल क्या है, आज है कल खत्म, मरने पर वारिसिन लड़ेंगे, इस पर वारिसिन क्या होंगे, लड़ेंगे, मेरा इतना तेरा इतना, बाप का क्या है, कुछ नहीं। 1,000 5 4 हज़ार रुपए का खर्च, 4 5 हज़ार रुपए का खर्च आएगा कफन दफन के लिए, खत्म, जा भाई तू अब निकल, हो गया तेरा काम, अब हमारा काम है, ये बंगला मेरा, ये फ्लैट मेरा, ये इसका, अरे तो तेरा मेरा क्या है, मेरा क्या, कहाँ गया मैं, मैंने कमाया 40 50 साल खपा दिया, अल्लाह को नाराज किया, नमाजें छोड़ा, रोजे छोड़ा, भले रोजा होता नहीं है काम काज के चक्कर में, और रोजा छोड़ दिया, वही काम काज से जो कमाया औलाद के झगड़े में लगा दिया और मैं चला गया दुनिया से। ये इसीलिए कमाया था। जो अल्लाह ने माल दिया है अल्लाह के रास्ते में, और अल्लाह इतने करीब है कि पूरा माल मांगते भी नहीं है। 40,000 किसी के पास है तो 1,000 निकालो, 1,039 है ना तुम्हारे, वो 1,000 ऐसा समझो कि मेरा है ही नहीं, वो किसका है, अल्लाह का। 80,000 पे 2,000, 1 लाख पे 2,500, ये ज़कात का मसला अलग हुआ है। सदक़े फितर अदा करें, उसका टाइमिंग है ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना है। सदक़े फितर वाजिब होता है हर उस शख्स पे जिस पर ज़कात वाजिब है। ज़कात में, सदक़े फितर में फ़र्क ये है कि सदक़े फितर उस पर भी वाजिब है कि जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल हो, चीज़ें हो, और माले नामी हो नहीं हो चलेगा। मिसाल के तौर पर 2 घर हैं, माले नामी का मतलब ऐसा माल जो इंसान को बढ़ा के माल देगा, तिजारत वाला माल इंसान को बढ़ा के देता है। नमा यानी नमू से बढ़ना। तो अभी 2 मकान हैं, अगर किसी ने बेचने के लिए रखा है वो माले नामी है, उस पर तो ज़कात आएगी। लेकिन अगर किसी बंदे ने 2 मकान है, वो बेचने के लिए नहीं रखा है, रहने के लिए रखा है या किराए भी दिया है, और उस मकान पे ज़कात नहीं आएगी, लेकिन उस मकान पे सदक़े फितर आएगा। ऐसे बंदे पे सदक़े फितर आएगा। और ज़कात के लिए साल का गुजरना शर्त है। माल आ गया 2 महीने पहले, ज़कात वाजिब नहीं होगी। अभी 2 ही महीने हो गया और 10 महीने बाकी है। लेकिन अगर माल आया 2 दिन पहले भी, ईद के सुबह सादिक से पहले भी अगर माल आया तो सदक़े फितर वाजिब है। ये बात याद रखें। सदक़े फितर ज़कात के लिए शर्त है कि बालिग होना चाहिए, लेकिन सदक़े फितर के लिए शर्त नहीं है। अगर सुबह सादिक से पहले अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाप पर ज़रूरी है कि उस बच्चे की तरफ से भी सदक़े फितर अदा करे। बाप, घर में जितने अफराद है तमाम अफराद की तरफ से ज़कात में क्या होता है? बीवी के पास अगर माल है, शोहर पे ज़कात नहीं, शोहर के पास माल है तो बीवी पे ज़कात नहीं। बच्चे के पास माल है, बच्चा अगर बालिग है और उसका रहना सहना अलग है तो बाप पे ज़कात नहीं, सबका अलग अलग। लेकिन अगर कोई ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो बाप तमाम घर में जितने अफराद हैं सबकी तरफ से सदक़े फितर अदा करेगा, तमाम की तरफ से, बीवी बच्चे सब। लेकिन अगर बालिग बच्चा अलग रह रहा है, उसका चूल्हा अलग, उसकी कमाई अलग, उसकी इनकम अलग, अब बाप पर उसकी सदक़े फितर वाजिब नहीं है। बीवी के पास माल है, अगर शोहर अदा करता है सदक़े फ़ितर, उसकी इजाज़त के बग़ैर, उसकी इत्तला के बग़ैर सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा, लेकिन उस पर वाजिब नहीं है। सदक़े फ़ितर में क्या देना है? सदक़े फ़ितर में सदक़े फ़ितर की शरई मिक़दार क्या है? सदक़े फ़ितर की शरई मिक़दार आप याद करें, शरीयत ने चार चीज़ों को मुतय्यन किया है कि ये चार चीज़ें सदक़े फ़ितर में अदा करो या ये चार की कीमतें सदक़े फ़ितर में अदा करो। नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 जौ बारले, नंबर 3 खजूर तमर, नंबर 4 किशमिश। जौ, नंबर 1 गेहूँ। एक फर्द, मिसाल के तौर पर एक घर में 5 लोग हैं तो एक फर्द 2 किलो, कितने किलो? 2.25 किलो के एतबार से घी निकालेगा सदक़े फ़ितर। 2 है 2.25 किलो, 2.25 किलो, 2.25 किलो। समझ में आया? ये घी की मिकदार है। अगर कोई बंदा घी नहीं निकाल रहा, उसकी कीमत निकालता है, तो ऐसे घी की कीमत निकालेगा जो तुम खाते हैं, राशन के उठा के नहीं, जो तुम खाते हैं वही निकालेगा। तो उसकी कीमत के एतबार से बनता है 70 रुपए। एक बंदे का कितना? 70 रुपए। 10 अफराद है, 700 रुपए निकालेगा। जौ, खजूर और किशमिश, ये तीनों चीजें 3.5 किलो है। इसकी मिकदार कितनी है? 3.5 किलो। एक आदमी फी नफर 3.5 किलो कीमत के एतबार से। अगर कोई बंदा जौ की कीमत निकालना चाहता है तो एक आदमी की 210 रुपए बनती है। एक आदमी की 210, 2100 रुपए 10 आदमी की। अपने अपने एतबार से लगा लें, मेरे घर में 5 है, 210 के हिसाब से क्या करना है। खजूर है, अगर कोई बंदा खजूर के एतबार से सदक़े फ़ितर निकालना चाहता है तो वो क्या करे? तो खजूर की कीमत, वो भी 3.5 किलो, उसकी कीमत बनती है 700 रुपए। 200 रुपए किलो के एतबार से अगर खजूर पकड़ लिए तो 3.5 किलो की बनती है 700 रुपए। 10 अफराद है, 7000 रुपए निकाले। किशमिश के एतबार से अच्छी क्वालिटी और कम वाले क्वालिटी की जो किशमिश है, दोनों का अगर एतबार करें तो 1250 रुपए या 1400 रुपए एक आदमी का बनता है। ये सदक़े फ़ितर की शरई मिक़दार है। गेहूँ 2.25 किलो, 3.5 किलो जौ, 3.5 किलो खजूर, 3.5 किलो किशमिश। अब हमको अदा किस तरह से करना है? अल्लाह ने अगर आपको इतना माल दिया है कि आप अगर किशमिश के सदक़े फ़ितर निकालते हैं कि एक बंदा 1400 रुपए या एक बंदा 1250 रुपए निकालेगा, घर में अफराद कितने? 10, तो 10 के एतबार से कितने हो गए? 12,000-13,000 रुपये। कोई मुश्किल नहीं। तो ऐसे बंदों को चाहिए कि वो किशमिश के एतबार से सदक़े फ़ितर अदा करें। ये नहीं कि भाई 70 रुपए के हिसाब से 700 रुपए निकाल दिए। 700 रुपए तो उनका पान में थूक देता है एक दिन में। ये मालदार कैटेगरी के बता रहा हूँ, हैसियत बताई है शरीयत ने, ये मशवरा दिया है। लेकिन अगर वो मालदार भी गेहूँ के एतबार से अदा करता है तो सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है। माली इबादात में जितना माल खर्च किया जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। माली इबादात में जितना माल अल्लाह के रास्ते में लुटाया जाएगा उतना अच्छा है। अल्लाह ने अगर किसी को इतने हैसियत का बनाया कि अगर वो खजूर की 700 रुपए के एतबार से सदक़े फ़ितर निकाल सकता है, उसे उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। 10 अफराद है, कितने हैं? 7,000 रुपये दे देंगे भाई, क्या है 7,000। तो ऐसे कोई कैटेगरी का है तो उसे चाहिए कि वो खजूर के एतबार से ही सदक़े फ़ितर अदा करे, अपना दिल बड़ा करे। अल्लाह और देगा, अल्लाह और देगा, बढ़ा के देगा। 700 गुना अल्लाह ज्यादा बढ़ा के देगा, अल्लाह का वादा है। खैर, अगर कोई बंदा ऐसे कैटेगरी का है कि ना किशमिश ना खजूर की हैसियत है, लेकिन हाँ इतना तो है कि वो 210 रुपए एक आदमी का अपने घर के फर्द का निकाल सकता है, और 10 फर्द है 2100 रुपये निकाल सकता है, कोई मुश्किल नहीं। उसे चाहिए कि जौ के एतबार से सदक़े फ़ितर अदा करें। लेकिन अगर कोई बंदा इतनी हैसियत नहीं रखता है कि जो किशमिश खजूर के एतबार से निकाले तो उसे चाहिए कि वो घी के एतबार से निकाले और अपने दिल को छोटा ना करे। अल्लाह ने सबके लिए आसानियाँ पैदा की हैं, अल्लाह ने सबके लिए आसानियाँ पैदा की हैं। लेकिन अगर कोई बंदा चावल देना चाहता है, चावल की एक बोरी दे दिया तो क्या सदक़े फितर अदा होगा? दाल दे दिया तो याद रखें शरीयत ने चार चीज़ों को मुतय्यन किया है, गेहूँ, जौ, किशमिश, खजूर। इसके अलावा अगर कोई चावल, दाल वगैरह देता है तो उस वक्त में वज़न का एतबार नहीं होगा, उस वक्त में कीमत का एतबार होगा, इसका एतबार होगा। 10 किलो चावल, 5 किलो चावल नहीं, मिसाल के तौर पर 70 रुपये एक आदमी का गेहूँ का बनता है, 10 आदमी के 700 बनता है, तो 700 रुपये में जितने चावल आएंगे उतने चावल दे सकते हैं। तो कीमत वहाँ भी ये जो चार मैंने बताया वही चारों के एतबार से कीमत निकाल कर तुम चावल दो, दाल दो, तुम्हें फिर तुम जो देना है वो दे दो, लेकिन कीमत इन चारों के एतबार से लगेगी। बात समझ रहे? सादात को सदक़े फितर नहीं दे सकते। मस्जिद में, मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए सदक़े फितर लेना और देना जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।